बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको एज पर नंबर सिस्टम पूछा गया है, कुछ कंपैरिजंस पूछे गए हैं हमारे इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू के हिसाब से और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे 1 लाख इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10,000। क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप दोनों सिस्टम्स ड्रॉ कर लीजिए। ऊपर हम इंडियन सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं और नीचे हम ब्रिटिश सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। यहाँ पर मैंने दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट्स ड्रॉ करके रखे हैं। ये है हमारा इंडियन सिस्टम और ये है हमारा ब्रिटिश सिस्टम। अब मुझे कंपेयर करना है 1 लाख को। 1 लाख मतलब यहाँ पर आएगा, तो 1 लाख 10,000 कितने इक्वल होते हैं? तो 1 लाख अगर मैं लिखूँगी तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो हाउ मैनी 10,000 मेक 1 लाख? बेसिकली इसमें आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे 10,000 है, तो 10,000 हमारा यहाँ तक आ रहा है, उसके कितने प्लेस आगे जाकर मुझे 1 लाख मिल रहा है? 1 प्लेस मतलब 10, यानी 1 लाख इज इक्वल्स टू 10,000, यानी 10,000 में 10 टाइम्स लूँगी तो दैट विल मेक 1 लाख। तो सिंपल इसका यही ट्रिक है कि जो आपको यहाँ पर गिवन है वहाँ तक आप काउंट कर लो, उसके आगे हम जितना मूव कर रहे हैं इसके लिए उतने आप जीरो लगा दो। मुझे 10,000 से 1 लाख प्लेस पर आने के लिए एक जंप लगाना पड़ रहा है, मतलब 10 आएगा यहाँ पे। सिमिलरली 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी 100,000? तो 1 मिलियन हमारा यहाँ लिखा जाएगा, ये मेरा 1 मिलियन हो गया। अब यहाँ पे 100,000 है, 100,000 मेरा यहाँ पर आ रहा है। 100,000 से 1 मिलियन आने के लिए मुझे एक ही जंप लगाना है। 1 जंप मीन्स 10, 10 मीन्स 10। नाउ 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10 लाख? 1 करोड़ मेरा यहाँ आएगा, तो 1 करोड़ ये नंबर हो गया। अब इक्वल्स टू हाउ मेनी 10 लाख्स? अगेन 10 लाख्स यहाँ पर है, तो 10 लाख से 1 करोड़ जाने में मुझे अगेन 1 जंप लगाना है। 1 जंप मतलब 10, एंड 10 मतलब 10। नाउ 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस? नाउ हियर वी आर कंपेयरिंग इंडियन सिस्टम एंड ब्रिटिश सिस्टम। तो 1 करोड़ हमारा यहाँ पर कहीं पर आ रहा है, 1 करोड़ को कंपेयर करना है हमें ब्रिटिश सिस्टम से। तो उसके लिए हम एक इंडियन सिस्टम के नीचे हम ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से भी नंबर लिखेंगे, लाइक 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन? तो 1s, 10s, 100s, 10,000, 100,000, देन 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन मेरा यहाँ पर आ रहा है। हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। हमने इंडियन सिस्टम के नीचे ब्रिटिश सिस्टम के मैनर में लिख दिया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब मेरा यहाँ पर आएगा। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख्स होता है, तो 1 मिलियन से 1 करोड़ जाने में अगेन मुझे एक जंप लगाना पड़ेगा, दैट मीन्स 10 मिलियन। तो 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन। सिमिलरली 1 मिलियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी लैक्स? तो 1 मिलियन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 1 मिलियन यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये पूछ रहे हैं कितने लैक्स के इक्वल है। लैख मेरा यहाँ तक आ रहा है, अगेन लैक्स से मिलियन जाने के लिए मुझे कितने जंप लगाने पड़ेंगे? 1 जंप, यानी अगेन 1 जंप मतलब 10। तो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लैक्स।